दोस्तों, ड्रैगन अब तक हमारे सर पर था, लेकिन अब यही ड्रैगन हमारे माथे पर पहुंच गया है। मैं आशा करती हूं कि आप लोग जियोपॉलिटिक्स से इतने ज्यादा अवगत हैं कि आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं चाइना की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत पुराने सिल्क रोड, ओल्ड सिल्क रोड को दोबारा से जीवित करना चाहता है, और इसी के लिए ये क्या कर रहा है दोस्तों, इसी के लिए ये अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पर काम कर रहा है। BRI से भारत को इसीलिए आपत्ति है क्योंकि इसके अंतर्गत एक तो उत्तर दिशा में ये भारत को अपने लैंड रूट से घेरेगा, तो वहीं दक्षिण दिशा में ये भारत को पूरी तरीके से घेर लेगा अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी कि अपनी मोतियों की माला से। यहाँ पे मेरा मतलब है इन बंदरगाहों से, जिन्हें चीन गरीब देशों को अपने ऋण जाल में फंसा कर अपने आधिपत्य में ले लेता है। फिर चाहे वो श्रीलंका का हम्बन टोटा हो, जिबूती का बंदरगाह हो, या फिर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह हो, इसके माध्यम से हमारा भारत चाइना से घिर जाता है और हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। हालांकि इस BRI इनिशिएटिव को तोड़ने के लिए USA ने, भारत ने कौन कौन से प्रयास किए हैं, इन सब के बारे में मैं आपको क्लासेस में बताती रहती हूँ। अगर अभी तक आप लोग अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं करते तो फॉलो अभी कर लो भाई, कोई पैसे नहीं लगते। और अगर आप अनअकैडमी पर मेरे और दुनिया के बेस्ट टीचर के साथ UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो Apurva23 कोड के साथ अभी आप अनअकैडमी प्लस में जुड़ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, सो यहाँ पर बात करते हैं कि हुआ क्या है। दोस्तों, यहाँ पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष लीन झान शू नेपाल के प्रतिनिधि अग्नि प्रसाद सपकोटा से मिले और यहाँ पर 6 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट, ये देखिए। यहाँ पर जो चाइना के प्रतिनिधि हैं, ये नेपाल की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं और इसी यात्रा के अंतर्गत जो 6-पॉइंट पैक्ट है उसे साइन किया गया है और इसी में मेंशन किया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर ये जो 6 सूत्रीय समझौता साइन हुआ है, ये भारत की सुरक्षा के लिए वास्तव में एक ध्यान आकर्षण करने वाला प्रस्ताव है। कैसे, आइए समझते हैं एक बार। दोस्तों, यहां पर साझा बयान के अनुसार ये जो दोनों देश हैं, ये एक दूसरे के विधायी पर्यवेक्षी और शासन संबंधी कामकाज में एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। आप देख सकते हैं कि चाइना और नेपाल के बीच बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर ये कोई पहला समझौता नहीं है। पहली बार तो मई 2017 में ही नेपाल ने चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर साइन कर दिए थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई थी। इन दोनों पक्षों ने BRI के तहत नेपाल चीन सीमा पर रेलवे के विकास की भी बात की थी। दोस्तों, नेपाल में अब तक चाइना का ये जो BRI नाम का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये फेल रहा है। इसके कई कारण हैं। अगर कैबिनेट के एक विदेश मंत्री प्रदीप गयावाली की माने तो इसकी शुरुआत काफ़ी धीमी थी। किसकी? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत नेपाल में काफ़ी धीमी थी। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चुने गए, पहले 35 प्रोजेक्ट थे, फिर उनको 9 कर दिया गया। इसके अलावा 2019 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल पहुँचे थे, तब भी इस बात पर सहमति बनी थी कि नेपाल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि COVID-19 आ गया और उसके बाद तो नेपाल अपनी समस्याओं में ही घिर गया। दुनिया के सारे देश अपनी अपनी समस्याओं में घिर गए। लेकिन अब दोस्तों, दोबारा से ये जो 6 सूत्रीय समझौता हुआ है, इसके अंतर्गत नेपाल फिर से इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पूरी तीव्रता के साथ आगे बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, वास्तव में ये हमारे भारत के लिए एक चिंता का विषय है और हमें भी जरूरत है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के